हेलो फ्रेंड्स, राज रानी के किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं मटन बिरयानी? यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया है। इसे मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से और मैंने इसका पानी छान लिया है। फिर मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। सारे मटन को इसमें डाल देंगे। फिर मैं यहाँ पर तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और 2 लौंग डाल दूँगी और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी और 1.5 कप यहाँ पे पानी हम डालेंगे और फिर इसे मैं सीटी लगा दूँगी। करीब मैंने 3 सीटी लगाए थे। ये मटन पे डिपेंड करता है कितने सीटी आप लगाएंगे। यहाँ पे मैं 3 सीटी लगा ली हूँ, आप देख सकते हैं। सारे मटन को हम निकाल लेंगे। सारे मटन को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और इसमें मैं सारे ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सौंफ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक, सारे मसाले को मैं इसमें डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं। फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून। फिर यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ता मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 1 कप दही मैं इसे अच्छे से फेंट के मैं डाल दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ये बटर डाला है 1 टेबल स्पून, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए साइड रख देंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक पतीले चढ़ाया है जहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉप करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी इस तरीके से। और इसमें मैं थोड़े प्याज निकाल के मैं साइड कर लूँगी, उसे टिश्यू पेपर पे हम साइड कर लेंगे। ये प्याज लास्ट में यूज़ आएंगे, अभी मैं इसे साइड कर रही हूँ। और इसमें मैं कुछ होल स्पाइसेस डाल लूँगी ऊपर से। यहाँ पे मैंने शाही ज़ीरा लिया है, ब्लैक इलायची, लौंग, धनिया, काली मिर्च, तेज पत्ता, हरी इलायची और जावित्री और दालचीनी, सारे को इसमें हम डाल देंगे। 1 मिनट भुनने के बाद मैं यहाँ पे मैरिनेट किए हुए सारे मटन को इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मटन अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। ये देखिए, और इसे 1 मिनट तक मैंने ढक के थोड़ा पकाया है। 1 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं तेल थोड़ा ऊपर की ओर आ गया है। फिर यहाँ पे मैंने एक स्मॉल साइज़ का टमाटर का पेस्ट बना के मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से भून चुके हैं तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। सारे को अच्छे से मिला लेंगे। मटन अच्छे से गल चुके हैं, 3 सीटी काफ़ी थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे भुन चुके हैं। यहाँ पे मैं आलू डाल रही हूँ, 3 मीडियम साइज़ के। अगर आप नहीं चाहे तो ना डालें, आप सिर्फ मटन ही डाल का बिरयानी बनाएं। मैं यहाँ पे आलू भी डाल रही हूँ और ये जो बचे हुए पानी थे जिससे मैंने मटन उबाला था, ये पानी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कप डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसे अच्छे से मैं एक मिक्स करके 1 मिनट तक मैं पका लूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। फिर मैंने एक साइड में पतीले चढ़ा के और यहाँ पे मैंने शाही ज़ीरा, काली इलायची और ग्रीन इलायची, तेज़पत्ता और इसमें मैंने दालचीनी वगैरह डाल दिया है, सारे होल स्पाइसेस, और यहाँ पे धनिया पत्ता और मिंट लीव्स यानी कि पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दिए हैं। इसे अच्छे से उबाल आ जाने के बाद मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, 2 कप। चावल को पूरा नहीं पकाना है, 80% तक ही हम पकाएंगे। चावल जब टूटने लगे तो इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए चावल टूटने लगे हैं। इधर मटन भी रेडी है, मटन में भी अच्छा उबाल आ गया। अब हम लेयर लगा देंगे
यहाँ पे मैं सारे चावल डाल दूंगी, उसके बाद मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, फिर ऊपर से एक लेयर मैं चावल का डालूंगी। नींबू डालने से चावल खिले खिले से बनेंगे। और फिर मैं जो बचा के रखी थी प्याज फ्राई करके उसे मैं डाल दूंगी, धनिया पत्ता डाल दूंगी, पुदीना डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने पतले पतले स्लाइस करके मैंने टमाटर को डाल रही हूँ ऊपर से। फिर मैं यहाँ पे एक टीस्पून मैं यहाँ ये घी डाल दूंगी, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा फूड कलर भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं घी डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून, और इसे मैंने कपड़े से ढक के और इसे तवा पे मैंने फुल फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाया है। उसके बाद मैंने इसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाया है और आप देख सकते हैं बिरयानी कितनी खूबसूरत बन के निकली है। ये देखिए चावल कितने खिले खिले से बने हुए हैं, खिले खिले से चावल बन के निकल चुके हैं। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।